परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर दी। अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने यूटराइन फाइब्रोइड के कारण, लक्षण एवं उपाय के बारे में जानकारी दिया है। ललिता कुमारी गृहिणी ने दूध के पीने के पहले न लेने वाली खानों के बारे में जरूरी जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। यूटेराइन फाइब्रॉइड की वजह से होती है पीरियड में ये समस्याएं, जानिए इसके लक्षण और बचाव। यूटेरस के अंदर बनने वाली मांसपेशियों के ट्यूमर को यूटेराइन फाइब्रॉइड कहते हैं। सामान्य तौर पर हर महिला के गर्भाशय में कुछ ऐसी गांठें मौजूद हो सकती है, पर इसके उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और इसके कोई लक्षण भी नजर नहीं आते जिसके आधार पर इसकी जांच कराई जा सके। ज्यादातर फाइब्रॉइड की समस्या डिलीवरी के समय देखने को मिलती है। हालांकि इस समस्या को भूलकर भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इसका सही समय इलाज नहीं होगा तो यह घातक बीमारी को जन्म दे सकती है। ऐसे में आज हम आपको फाइब्रॉइड के लक्षण और इसके बचाव के बारे में बताएंगे। फाइब्रॉइड के लक्षण। यूटेराइन फाइब्रॉइड की समस्या होने पर इस तरह के लक्षण नजर आते हैं। पेट के निचले हिस्से या कमर में भारीपन, पीरियड के दौरान ऐठन भरा तेज दर्द, कई दिनों तक हैवी ब्लीडिंग, पीरियड खत्म होने के बाद बीच में अचानक ब्लीडिंग, सहवास में दर्द, बार बार यूरिन का प्रेशर महसूस होना। फाइब्रॉइड के प्रमुख कारण। फाइब्रॉइड की समस्या के सही कारणों का अभी तक पहचान नहीं हो पाया है। इसके बावजूद भी अनुमान लगाया जाता है कि महिला के शरीर में मौजूद सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन की अधिक मात्रा इस समस्या को जन्म देती है। इसके कारण कम उम्र यानी युवावस्था में फाइब्रॉइड होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद महिला के शरीर में इन दोनों हार्मोन्स की मात्रा घट जाती है। मिडिल एज में आने के बाद महिलाओं में फाइब्रॉइड का आकार सिकुड़कर अपने आप छोटा होने लगता है और कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। वही फाइब्रॉइड की समस्या आनुवंशिक है। अगर आपके परिवार में किसी को ये समस्या रही है तो आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए। फाइब्रॉइड से होने वाले नुकसान। फाइब्रॉइड की गांठें कैंसर रहित होती है। वैसे तो फाइब्रॉइड की समस्या हो जाने पर स्त्री के सेहत को काफी नुकसान नहीं होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान परेशानियां बढ़ सकती है। अगर प्रेगनेंसी में किसी तरह की सर्जरी करनी पड़ जाए तो ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। वहीं कुछ महिलाओं को इसकी वजह से एनीमिया भी हो जाती है। फाइब्रॉइड की जांच और उपचार। फाइब्रॉइड के गांठों की पहचान MRI, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद इनके आकार और स्थिति को ध्यान में रखकर उपचार किया जाता है। अगर किसी वजह से मरीज को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है तो सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। मेनोपॉज के बाद ये गांठें अपने आप धीरे धीरे सिकुड़कर खत्म हो जाती है। वहीं पेल्विक एरिया में तेज दर्द और हैवी ब्लीडिंग जैसे लक्षण नजर आने पर हिस्टेरोस्कोपी, मैप्टोमेट्री और हिस्टेरेक्टोमी जैसे तकनीकों को इसकी सर्जरी की जा सकती है। इसकी सर्जरी मरीज के उम्र पर भी निर्भर करती है। कम उम्र के मरीजों का लेप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी से ही उपचार किया जा सकता है। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। दूध पीने से पहले बिल्कुल भी ना करें इन चीजों का सेवन, होंगे बड़े नुकसान। दूध तो हम सभी लोग पीते हैं, हमें यह भी पता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए काफी जरूरी होते हैं। पर क्या आपको पता है दूध पीने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? खाने पीने की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दूध पीने से पहले और बाद में या फिर दूध के साथ का साथ सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। अक्सर हम लोग विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ तिल और नमक का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि तिल और नमक के सेवन के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इसके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अरहर की दाल के अलावा हम उड़द की दाल भी खाते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि उड़द की दाल खाने के बाद हमें दूध नहीं पीना चाहिए। इससे विभिन्न प्रकार की पेट और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। सिट्रिक एसिड युक्त खट्टे फलों का सेवन करने के बाद दूध का सेवन हानिकारक है। इससे शरीर पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। कई बार विशेष आयोजनों पर हम अपने घरों में मछली बनाते हैं और उसे बड़े ही चाव से खाते हैं, पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मछली खाने के बाद दूध का सेवन किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पेट की पाचन क्रिया प्रभावित होती है और कई तरह की परेशानी हो सकती है। मछली खाने और दूध पीने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतराल जरूरी है। दही का सेवन तो हम नियमित तौर पर करते हैं, पर हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दही के सेवन के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। अगर हम दही के बाद दूध पीते हैं तो इससे शरीर में कई समस्याएं पैदा होती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।